नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे टाटा इंट्रा V30 के सर्विस अप टाइम के बारे में, जिसमें हम कस्टमर और टेक्नीशियन इन दोनों से थोड़ी सी बातचीत करेंगे और इस गाड़ी के प्रति उनका क्या विचार है, उनका कैसा अनुभव है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आपके बारे में बताइए। नमस्कार, मैं सतीश तायडे, मैं 15 साल से टाटा मोटर्स में काम कर रहा हूँ। सर, टाटा कंपनी की गाड़ी में और दूसरे कंपनी की गाड़ी पर आप जब काम करते हैं तो आपका अनुभव कैसा होता है? टाटा मोटर्स ने जो पार्ट्स दिए, जो जगह दी है, वो आसानी से मिल जाती है और आसानी से काम हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती, टाइम भी बच जाता है हमारा। इंट्रा V30 पर जब आप काम करते हैं तो आपको कोई समस्या आती है? देखो सर, टाटा V30 जब गाड़ी बनाई जाती है, उसके गाड़ी बनने के बाद हमको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, सब मालूमात दी जाती है, और जब गाड़ी हमारे पास आती है वर्कशॉप में, तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। और जो बाहर के मैकेनिक है, वो आसानी से इसका काम कर सकते हैं। इतनी गाड़ी आसान बनाई है टाटा मोटर्स ने। सर, इंट्रा V30 की सर्विसिंग के वक्त आप कौन से पार्ट्स को चेक करते हैं और इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में बताएं? हाँ ठीक है, बताता हूँ। देखो, पहले जब हमारे पास गाड़ी सर्विसिंग को आती है, तो सबसे पहले उसको लैपटॉप लगाया जाता है, स्कैन किया जाता है। लैपटॉप के द्वारा जो भी हमको दिखाता है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। और रहा सर्विसिंग में, जनरल चेकअप किया जाता है। जनरल चेकअप में गाड़ी का सस्पेंस का बोल्ट, इंटेक की पाइपलाइन, ये सब चेक किया जाता है। रेडिएटर का पानी चेक किया जाता है, कूलेंट लेवल, ऑयल लेवल, और ब्रेक का, क्लच का ऑयल, ये सब चेक किया जाता है। और जब बड़ी दिक्कत रहती गाड़ी, जैसे कि ये बोल रहे गाड़ी पे अभी पिकअप नहीं कर रही, तो हम पहले लैपटॉप लगा के उसके ऊपर स्कैन करते हैं। स्कैन के बाद हमको जो भी बताता है उसके ऊपर हम काम करते हैं। सर, अगला सवाल ये है कि अगर कोई कस्टमर अपनी इंट्रा V30 को किसी मैकेनिक के पास हैंडओवर कर रहा है, तो उस मैकेनिक या टेक्नीशियन को कितना अनुभव होना चाहिए? देखो सर, पहली बात तो ये है कि गाड़ी इतना आसान बना दिया है, 2 या 5 साल वाला जिसको एक्सपीरियंस है, वो मैकेनिक भी इसको इजी से कर सकता है। सर, आपसे अगला सवाल ये है कि टाटा कंपनी की सर्विस और बाहर की सर्विस में क्या फर्क है? ठीक है सर, देखो, टाटा सर्विस सेंटर में जो पार्ट, स्पेशल टूल जो अवेलेबल रहता है, वो बाहर नहीं रह सकता है। कुछ बड़े ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाहर स्पेशल टूल नहीं रहने की वजह से वो बाहर नहीं कर सकते, इसी जगह कर सकते हैं अपन। बड़े कामों के लिए हमें जो स्पेयर पार्ट लगते हैं, वो हमें स्पेयर पार्ट्स से आसानी से मिल जाते हैं। सर, आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप टाटा मोटर्स के साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं, तो अब तक आपका अनुभव टाटा मोटर्स के साथ कैसा था? देखो सर, रतन टाटा जैसे आदमी भारत को सपोर्ट करते हैं, हम तो मामूली आदमी हैं, उनके कंपनी में काम करके हम उनको सपोर्ट करके देश को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी हर देश में टाटा मोटर्स की गाड़ी चले और चलती है, इतना अच्छा फील होता है हम लोग को। हम इस प्रकार से देश सेवा ही कर रहे हैं। ये थे सतीश सर, जो यहाँ पर टेक्नीशियन है। अब हम इंट्रा V30 के कस्टमर इस गाड़ी के सर्विसिंग के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, सबसे पहले आपके बारे में बताइए। मेरा नाम है नैनी अशोक सोनोने, मेरे रहने वाला लासल का तालुका निपट, जिला नासिक। मेरी जो V30 मैं नासिक सर्विसिंग के लिए लाया हूँ। आप इंट्रा V30 को किस एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं? मेरा जो है वेजिटेबल का कंपनी का ट्रांसपोर्ट का माल जाता है, तो उसमें मैं नासिक से तो मुंबई लेके जाता हूँ, उसमें भाजीपाल तो कोबो, फ्लावर, जो प्याज, आलू वगैरह सब सप्लाई करता नासिक से मुंबई। और मेरा गाड़ी हर रोज चलता है, मेरा जो गाड़ी है हर शाम में लोडिंग होता है नासिक से और मुंबई को जाके खाली हो जाता है। सर, आपसे अगला सवाल ये है कि आप इस गाड़ी को कितने समय से यूज कर रहे हैं? मैं कम से कम 1 साल से यूज कर रहा हूँ गाड़ी। सर, आपने टाटा कंपनी की गाड़ी क्यों चूज की? जो है टाटा कंपनी जो है जो अपना देश का है, प्लस उसमें क्या होता है जो टाटा कंपनी, इसमें मेंटेनेंस कम आता है और गाड़ी खर्चे भी कम निकलती है। ये गाड़ी भी चलाने में ठीक है, चलाने के लिए कोई दिक्कत आता नहीं। सर, आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कितने समय में करते हैं? जो मेरा V30 है नासिक से तो मुंबई डेली चलती है, तो मुझे लगभग महीने के अंदर ही सर्विसिंग करना पड़ता है। और मैं जो सर्विसिंग है तो टाटा मोटर्स में जाके करवा लेता हूं टाइम पर, क्योंकि जो टाटा मोटर्स ने सर्विसिंग के लिए बोला है 10,000 के अंदर ही सर्विसिंग कर लेना चाहिए, तो इससे क्या होता है गाड़ी को दिक्कत भी नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता है। सर, आपसे अगला सवाल ये है कि आपको इंट्रा V30 में कोई समस्या लगती है? समस्या तो काफी तो लगती नहीं, जो टेक्नोलॉजी है तो उसमें समस्या आने से पहले गाड़ी बता देता है कि यही समस्या आने वाला है, तो वही आप सर्विस सेंटर में जाके काम करवा सकते हैं अपन। सर, टाटा कंपनी का ये जो ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर है,
इसमें आपका सर्विस करवाने का अनुभव कैसा है? मेरा तो कम से कम एक साल से अनुभव है उसमें। जब भी कस्टमर जाता है तो वहाँ का जो स्टॉप है मैकेनिक वगैरह काफी अच्छे से अटेंड करता है, कम समय में गाड़ी दे देती है। सर, गाड़ी को सर्विस होकर आने के लिए कितना टाइम लगता है? कम से कम 3 घंटा तो लग ही जाता है। 3 घंटे के अंदर सब काम भी होकर गाड़ी मिल जाता है मुझे, मतलब गाड़ी एकदम फाइनल करके देते हैं वो लोग। अगर कुछ गाड़ी में दिक्कत ज़्यादा बढ़ गया तो जो स्टॉप है वहाँ का मैकेनिक वो तुरंत बता देता है कि गाड़ी को समय ज़्यादा लगेगा। हाँ, वैसे भी बहुत कम टाइम में तो काम करवा देते हैं। अगर गाड़ी का कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो उसको समय भी लगता है। क्या आप टाटा कंपनी के सर्विस के साथ संतुष्ट है? हाँ जी, संतुष्ट हूँ, काफ़ी अच्छे से सर्विस देते हैं वो लोग। सर, क्या टाटा की सर्विसिंग महंगी है? इतना तो फिलहाल तो महंगे तो नहीं है। जो सर्विस है वो चार्ज में तो वही जो बाहर पड़ता है तो वही है पर ही पड़ता है। जो है वो स्पेयर पार्ट अगर कुछ खराब हुआ तो उसका तो एक्स्ट्रा चार्ज तो लगता ही, जैसा काम रहेगा गाड़ी का तो वैसा चार्ज तो लगता है, बट उतना तो नहीं, मेंटेन करने के लिए काफी आसान। सर, आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपके लिए क्विक सर्विस कितनी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मेरा गाड़ी हर रोज नासिक चलता है, नासिक से तो मुंबई चलता है, वेजिटेबल का जो है बिजनेस, तो मैं कम से कम 12 से 11 बजे यहाँ पर आ जाता हूँ, तो मैं 12 से 12:30 बजे गाड़ी टाटा सर्विस शोरूम को दे देता हूँ, तो ये 3 से 3:30 बजे तक गाड़ी मुझे सर्विस करके गाड़ी भेज देती, तो मैं वैसे 4 से 4:30 बजे के आसपास में मेरा गाड़ी लोडिंग के लिए भेज देता हूँ। धन्यवाद ज्ञानेश्वर सर, आपने काफी अच्छी जानकारी हमारे ऑडियंस के साथ शेयर की। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कस्टमर और टेक्नीशियन इन दोनों के इंट्रा V30 के बारे में क्या विचार और क्या अनुभव है ये दिखाने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।